हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं। और NM ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए NM ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बहुत सारा सरफेस केमिस्ट्री देख लिया था। अभी आज यहाँ का ये बीच का हिस्सा छूटा हुआ था, ये करना है अपने को, इसको निपटाएंगे फटाक से। इसमें एक चीज बताया था मैंने हार्डी सुलझे लॉ में कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर अलग अलग होता है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पे, ठीक है। और एक होता है कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, जो अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। वो है हर इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग मात्रा में अमाउंट रिक्वायर्ड है, हर इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग मात्रा में अमाउंट रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्व को प्रेसिपिटेट करना है, तो उसका मैं ले लूंगा 1 लीटर। उसके 1 लीटर को कोएगुलेट करने के लिए मेरे को मिनी मोल्स, कितने कम मिली मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो मिली मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो मिली मोल्स कहलाएगा उसका कोएगुलेशन वैल्यू। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मेरे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर समझ लो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व, इस पर कौन सा चार्ज होता है? ये खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसको कोएगुलेट करने के लिए मैं ऊपर से क्या डालूंगा इसमें? मैं ऊपर से इसमें डालूंगा नेगेटिव आयंस, ठीक। अब मैंने इसमें डाल दिया मान लो Cl- डाल दिया, SO4-2 डाल दिया, PO4-3 डाल दिया, तो मेरे को सबसे कम अमाउंट किसका रिक्वायर्ड होगा? मेरे को सबसे कम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा PO4-3 का। तो इस PO4-3 का सबसे कम अमाउंट रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि इस पे चार्ज सबसे ज्यादा है, जिस पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका सबसे कम रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक। तो इसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है, ठीक। अब ये जो कोएगुलेटिंग पावर है ये निकालते कैसे? तो ये निकालते हैं अपन लोग, इसका 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, इसके 1 लीटर सॉल्यूशन को 2 घंटे में मेरे को प्रेसिपिटेट कराना है। 2 घंटे में प्रेसिपिटेट कराने के लिए इसके जो मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है, मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है, दीज मिलीमोल्स आर कॉल्ड क्या? इसका कोएगुलेशन वैल्यू। क्या कहते हैं? कोएगुलेशन वैल्यू, ठीक। अब मान लो इसके 10 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, तो इसके उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, SO4-2 के ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि इसका पावर कम है। यहां से न्यूमेरिकल बनता है बेटा, है ना। SO4-2 के मान लो 20 मोल रिक्वायर्ड है, Cl- के और ज्यादा 30 मोल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक, ऐसा कुछ वाला कहानी होगा, है ना। तो अगर इनका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है? अरे यार मच्छर आ गया, मरा। कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है? PO4-3 का। तो मिलीमोल्स इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे? इसके मिलीमोल्स सबसे कम रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका कोएगुलेटिंग वैल्यू, जितने कम मिलीमोल्स रिक्वायर्ड उतना कम कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक। तो जो कोएगुलेटिंग पावर होता है, कोएगुलेटिंग पावर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएगुलेशन वैल्यू के। जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या है, उसके ज्यादा मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है यही काम को करने के लिए, ज्यादा मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि उसका पावर क्या है? कम। समझ में आई बात भैया? ठीक। तो इट इज ऑब्जर्व दैट डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कोएगुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द मिनिमम अमाउंट, इसको याद रख लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर दैट सॉल्व, उस सॉल्यूशन के लिए।
द रेसिप्रोकल ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज कोएगुलेटिंग पावर, यह भी ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल, कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl, BaCl2 एंड AlCl3 फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट आर 51, 0.69 एंड 0.093 मिलीमोल्स पर लीटर रिस्पेक्टिवली. इसका क्या मतलब है? अगर मैं आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराना चाहता हूं तो मेरे को NaCl यानी Na प्लस आयन के 51 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड. वही Ba प्लस टू से कराना चाहता हूं तो मेरे को 0.69 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, और Al प्लस थ्री से कराना चाहता हूं तो 0.093 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड. और इसीलिए उनका कोएगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगा? 1/51, 1/0.069, 1/this. तो देखो, जिसका कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा 51, उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम आ रहा है 0.0169. ठीक है, तो यहां से सीधा सवाल पूछ लेता है भैया. ठीक है, कहीं तो पूछा हुआ है सवाल, एक मिनट में दिखाता हूं आपको. मेरे ख्याल से नीट में पूछा था, मेरे को ध्यान आ रहा है. जो नीट वाला पेपर कौन सा है? यहां कहीं होगा. ये है क्या? नहीं, इसके पहले वाला होता है ना. ये दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2016 में पूछा है. द कोएगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट आर गिवन बिलो. वही देखो, NaCl 52, ये सेम सवाल दिया. दस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कोएगुलेटिंग पावर इज, ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम है. तो जिसका कोएगुलेशन वैल्यू कम उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा. तो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसका होगा बोलो? MgSO4 का, यानी हो गया 3, फिर आ गया 2 और फिर आ गया 1. तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड वाला. समझ में आया? कितना आसान सवाल है, फोगाट के 4 नंबर है, इसको कोई वो परेशानी नहीं. नीट 2016 में पूछा है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, 4 साल पुरानी बात है बस. 20 चल रहा है, क्या चल रहा है? बीसी चल रहा है, 21 आ गया, 4-5 साल पुरानी बात. हाँ जी, तो इसको ध्यान रखेंगे भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गया अपना. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले वाले पेज में. After observing the regularities concerning the sign and valency of the active ion, a law was proposed by Hardy and Sulge, which was termed as Hardy-Sulge law, which is stated as follows. ये बोर्ड में पूछता है, कई बार पूछ चुका है. Greater the value of the active ion, greater the valency of the active ion, greater will be its पावर टू प्रेसिपिटेट द सॉल्ट. जितना ज्यादा उस पर प्लस आया चार्ज होगा, नेगेटिव वाले को उतना जल्दी कोएगुलेट करेगा. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाले को उतना जल्दी कोएगुलेट करेगा. द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द कैटायन, देखो Al प्लस थ्री सबसे ज्यादा, Ba प्लस टू और Mg प्लस टू, Na प्लस और K प्लस पीछे आ गए. Similarly, to coagulate positively charged salt, the coagulating power of anion is in the order minus 4 charge सबसे ज्यादा है, minus 3, minus 2 और सबसे कम आ रहा है minus 1. ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया. Other methods of coagulation में सबसे पहला method है persistent dialysis. कल भी बताया था मैंने, अगर मैं लंबे समय तक dialysis करूंगा तो पहली बार में क्या होगा? Dialysis में क्या करते हैं अपन? Dialysis में अपन एक वो ले लेते हैं, सेमी परमिएबल membrane का बैग. दिस इज सेमी परमिएबल. यहां अपन लोग ले लिया, अपन ने क्या FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर Fe प्लस थ्री आयन चिपका हुआ है. अपने को प्रॉब्लम किससे थी? अपने को प्रॉब्लम थी इसमें जो Cl माइनस आयन प्रेजेंट है एज इंप्यूरिटी, उनसे प्रेजेंट है, उनसे इंप्यूरिटी. जब मैं इसका डायलिसिस कराऊंगा तो डायलिसिस कराने पर क्या होगा? Cl माइनस आयन बाहर निकलने लगेंगे. अगर मैं परसिस्टेंट डायलिसिस कराऊंगा, बहुत देर तक डायलिसिस कराऊंगा, तो Cl- आयन के साथ Fe+3 आयन भी बाहर चला जाएगा. और Fe+3 आयन अगर बाहर चला गया तो इस वाले सॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, और जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा. इसके दो चार पार्टिकल आपस में मिलके चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा. जितना ज्यादा देर तक डायलिसिस कराऊंगा परसिस्टेंट डायलिसिस में, ये वाला खतरा खड़ा हो जाएगा. ठीक है,
By persistent dialysis, it has been observed that traces of electrolytes are associated with the solution due to which it is stable. If the solution is subjected to prolonged dialysis, the traces of electrolytes are removed and coagulation takes place. पहला हो गया. दूसरा, by mutual coagulation of colloid, मैंने एक positively charged colloid को negatively charged colloid में मिला दिया. दोनों को मिलाने से दोनों neutral हो जाएंगे. दोनों neutral हो जाएंगे तो बैठ जाएंगे. When two salts of oppositely charges are mixed together in a suitable proportion, the coagulation takes place. The charge of one is neutralized by the other. For example, when negatively charged arsenic sulfide salt is added to positively charged ferric hydroxide salt, the precipitation of both occurs simultaneously. दोनों नीचे चले जाएंगे. Electrical method है. इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोफोरोसिस किया था अपन ने, याद करो वो यूट्यूब वाला, तो एक जगह जाके चिपक गए थे, प्रेसिपिटेशन हो गया. बाय एक्सेसिव कूलिंग और एक्सेसिव हीटिंग, एक्सेसिवली कूल कर दोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो चिपक के बैठ जाएंगे. एक्सेसिवली हीट कर दोगे तो हीट करोगे तो ऊपर जो आयन्स एड्सॉर्ब हुए फायरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो Fe+3 आयन एड्सॉर्ब हुए वो आयन बाहर निकल जाएंगे, वो आयन बाहर निकल गए तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये तो बकवास बात है, ऐसे कोई खास काम का नहीं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई. ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की परिभाषा ही क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है. ठीक, अगर मान लो मैंने सस्पेंशन से तुलना करी तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, कम पार्टिकल होते हैं, उसको तोड़ के मैंने कोलॉइड बनाया तो पार्टिकल की संख्या बढ़ गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. अब सस्पेंशन की जगह ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं, इनको जोड़ जोड़ के मैंने कोलॉइड बनाया तो छोटे पार्टिकल को जोड़ के बड़ा पार्टिकल बनाया, पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. ठीक है जी, तो ये हो गया. कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट द इफेक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी स्मॉल. दिस इज ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. द नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन मास ऑफ कोलाइड इज मच लेस देन द नंबर प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन कंटेनिंग द सेम मास ऑफ सॉल्यूट. दस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन कोलॉइड सॉल्यूशन इज टू लेस. बहुत काम है, कोई खास बात यहां है नहीं पढ़ने लायक, इसीलिए ना ही पढ़े तो बेहतर है. ऑडियो वीडियो अटक रहा है, एक कोई बोल रही है बुढ़िया, अभी भी अटक रहा है क्या इप्सिता? थोड़ा तो देखो, खैर हो तो अटकता ही है अभी, ऑनलाइन क्लास में तो है ही प्रॉब्लम, क्या ही कर सकता हूं मैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे जो आ रही है दिस इज प्रोटेक्टिव कोलॉइड. क्या है देखो, फर्स्ट क्लास है, एक जन बोल रहा है, देखना बेटा अपने तरफ से देखना कुछ. प्रोटेक्टिव कोलॉइड इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से सवाल बनेगा, आगे मैं दिखाऊंगा, आया भी हुआ है एक दो बार पेपर में. प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्शन करेगा. किसका प्रोटेक्शन करेगा, किसको प्रोटेक्शन की जरूरत है? मेरे पास दो प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक. लायोफोबिक सॉल जो है वो होता है अनस्टेबल होता है लायोफोबिक सॉल. तो उस लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है. किसको जरूरत है? लायोफोबिक सॉल को. किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्शन की जरूरत. जैसे मान लो मेरे पास क्या है, दिखाओ, मेरे पास में ना ये है, ये मेरे पास लायोफोबिक सॉल्ट पार्टिकल.
ये बेचारे बड़े डरे सहमे से अनस्टेबल से होते हैं, बहुत डरे सहमे से रहते हैं। इनके ऊपर मैं इनका प्रेसिपिटेशन कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं, मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा अमाउंट भी जो है वो आएगा यहां और इनका प्रेसिपिटेशन करा देगा, थोड़ा सा अमाउंट भी प्रेसिपिटेशन करा लेगा, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ मात्रा में लायोफिलिक सॉल्ट डाल देते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्ट क्या करेगा, लायोफिलिक सॉल्ट जाकर के या तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा, किसके ऊपर, लायोफोबिक सॉल्ट के ऊपर, और उसको बचाने लगेगा, या वो इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा। वो कहीं पर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इधर आ नहीं पाएगा। ठीक, तो ये दोनों कार्यक्रम करके वो क्या कर सकता है, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। अब देखो भैया, पिक्चर देखी होंगी, है ना, पिक्चर देखते ही होगे, है ना। पिक्चर में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है ना। विलन क्या करता है, विलन डराता है कि मार डालूंगा करके। यहां विलन कौन है, ये इलेक्ट्रोलाइट विलन है, ना। हीरोइन कौन है जो डर रही है, कौन हीरोइन है, लायोफोबिक सॉल, ये डर रही है, तो दिस इज योर हीरोइन। और बचा कौन रहा है, लायोफिलिक सॉल बचा रहा है, तो ये हीरो है। ठीक, अब देखना भैया, मैंने क्या किया, मैंने एक जगह विलन लिया, शक्ति कपूर, देखा है, आऊ आऊ, है ना, ओ शक्ति कपूर दुबला पतला सा है नी। और एक जगह मैंने विलन लिया वो राणा टुंगावटी, क्या नाम है उसका, वो मोटा वाला जो उसमें था, इसमें क्या नाम है, वो कौन सी पिक्चर आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस में था नी, मोटा वाला विलन, तो वैसा हट्टा कट्टा साउथ का विलन ले लिया, बहुत जोर जोर से मारता है, जो बॉडी बिल्डर है नी। और बचाने के लिए राणा टुंगावटी से लड़ने मैंने भेज दिया सनी देओल को, हीरो, दो हीरो है मेरे पास, एक कौन है, सनी पाजी है ना, एक है, अबे चलना यार, एक मेरे पास सनी पाजी है, सनी देओल है, और एक मेरे पास में वो अपना सस्ता वाला हीरो है ना, कौन सा, चंकी पांडे, तो हीरो भी नहीं है मगर आपने सुना होगा नाम, चंकी पांडे करके एक ठोक आता है आदमी वो है। ये दो मेरे पास हीरो हैं, मैंने इनको बचाने के लिए भेज दिया। सनी देओल किससे लड़ रहा है, सनी देओल लड़ रहा है राणा टुंगावटी से, और चंकी पांडे किससे लड़ रहा है, आऊ नंदू सबका बंधु, देखी पिक्चर है, उससे लड़ रहा है। तो अब भैया सनी देओल लड़ रहा है राणा टुंगावटी से, उसको मेहनत लगेगी ना, ऐसा थोड़ी ना गया और हो गया खत्म। चंकी पांडे लड़ रहा है किससे, वो शक्ति कपूर से, और शक्ति कपूर कैसा दुबला पतला सा मरियल सा विलन है, तो चंकी पांडे ने थोड़ा दो चार झापड़ मारे, उतने में कौन सा, शक्ति कपूर ढेर, ठीक, शक्ति कपूर कौन है, शक्ति कपूर श्रद्धा कपूर के पिताजी हैं, ठीक है, पुरानी पिक्चरों के विलन है वो। तो सनी देओल को थोड़ा टाइम लग गया, चंकी पांडे ने तुरंत निपटा दिया, चूंकि सनी देओल का काम थोड़ा सा कठिन था, चंकी पांडे का काम आसान था, तुरंत निपट गया। तो ऐसे में मैं बोल दूंगा कि बड़ा प्रोटेक्टर चंकी पांडे है, ऐसा बोल दूंगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा, हम भी जानते बड़ा आदमी सनी देओल है भाई, है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, हमने दोनों को अलग अलग विलन से लड़वा दिया। तो हमको क्या करना है, विलन को कॉन्स्टेंट करना है, विलन चेंज नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, विलन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहां विलन अपन लोग कॉन्स्टेंट करेंगे, विलन होता है NaCl, कॉन्स्टेंट विलन करेंगे, मतलब मैं सनी देओल को भी राणा टुंगावटी से लड़ाऊं और चंकी पांडे को भी राणा टुंगावटी से लड़ाऊं, तब मैं दोनों में कंपैरिजन कर सकता हूं कि कौन ज्यादा बड़ा हीरो है, कौन कमजोर हीरो है, ठीक है। तो मेरे को विलन को कॉन्स्टेंट करना है। इसके बाद एक जगह मैंने हीरोइन दे दी दुबली पतली श्रद्धा कपूर, है नी, एक जगह मैंने हीरोइन दे दी, हीरोइन मतलब ये लायोफोबिक सॉल दे दिया, एक जगह मैंने हीरोइन दे दी दुबली पतली श्रद्धा कपूर, एक जगह मैंने हीरोइन दे दी अट्टी गट्टी, वो अपनी कौन सी मोटी वाली, कौन सी है वो दूसरे वाले उसकी, अरे क्या नाम है उसका, ये अपने खामोश की लड़की
शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की सोनाक्षी सिन्हा, हाँ भारती से नहीं, सोनाक्षी सिन्हा दे दी, भारती को हीरोइन है क्या, सोनाक्षी सिन्हा दे दी। तो अब सोनाक्षी सिन्हा है एक तरफ और एक में श्रद्धा कपूर दुबली पतली, विलन श्रद्धा कपूर को ऐसे किया उसने, बोले चल साइड हो, वो साइड हो गई। सोनाक्षी सिन्हा को ऐसे किया, उसकी उंगली में चोट लग गई साली बहुत मोटी। तो कौन सी हीरोइन, मतलब फिर ऐसे में तो अपन कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना, सोनाक्षी सिन्हा भी दो चार हाथ मार देगी विलन को और ये श्रद्धा कपूर नहीं मारेगी। तो अपने को हीरोइन को भी क्या करना है, कॉन्स्टेंट करना, हीरोइन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने हीरोइन कॉन्स्टेंट कर दी, कौन सा, गोल्ड सॉल ले लिया, क्या ले लिया, गोल्ड सॉल। ठीक, अब NaCl भैया गोल्ड सॉल को बचाना है, किससे बचाना है, NaCl से बचाना है, जो अच्छे से बचा लेगा, समझ रहे हो, सोनाक्षी सिन्हा को बचाना है, राणा तुंगापति से बचाना है, जो पहले बचा लेगा वो बड़ा हीरो। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना अपने को, क्या क्या चीज फिक्स करनी है, अपने को लायोफोबिक सॉल फिक्स करना है जो अपन ने कर दिया गोल्ड का सॉल, अपने को विलन फिक्स करना है तो विलन अपने फिक्स कर दिया NaCl। अब जो सा लायोफिलिक सॉल आसानी से इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा, कोएगुलेट होने से बचा पाएगा, वो क्या होगा, उसका कोएगुलेटिंग पावर या प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोएगुलेटिंग पावर नहीं, प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये बात पूछता है, यही ध्यान देना। आ जाओ भैया, लायोफिलिक सॉल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल, दिस इज बिकॉज लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड एंड दीज हाइड्रेटेड पार्टिकल्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स। लायोफोबिक सॉल आर मोर इजिली कोएगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही, चूंकि लायोफोबिक है वो जुड़ना ही नहीं चाहते, वो घुल के रहना ही नहीं चाहते, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उनका कोएगुलेशन हो जाएगा। टू अवॉइड द प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सम लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड टू इट। ठीक, क्या किया, लायोफोबिक के इलेक्ट्रोलाइट डालने पर प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, लायोफिलिक सॉल डाल देते हैं। ठीक, सच लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड समझ में आ गया क्या है, एंड द एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज, नहीं बाय लिख लेना, द एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, यहां ऐसे करके लिखना बाय के आगे, बाय विच इट प्रिवेंट्स, वहां लिख लेना, टाइप होना रह गया, बाय विच इट प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज प्रोटेक्टिव एक्शन। द सब्सटेंसेस कॉमनली यूज एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड आर जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गम अरेबिन, केसिन, स्टार्च, ग्लू, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो सॉल बनता है सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनका जो सॉल होता है ये होता है लायोफिलिक, अरे क्या लिख रहा हूं, लाइपो, ये होता है लायोफिलिक होता है। ठीक, अ गोल्ड सॉल, ये आ गई अपनी हीरोइन, हीरोइन की एंट्री भाई साहब गौर से देखिएगा, सीटीवीटी कोई नहीं मारेगा। अ गोल्ड सॉल कंटेनिंग अ लिटिल जिलेटिन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड नीड्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, ये विलन आ गया, विलन सोडियम क्लोराइड टू कोएगुलेट द सॉल। ठीक, अभी कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है, या तो प्रोटेक्टिव, देखो ये प्रोटेक्टेड कोई भी किसी के भी ऊपर आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लायोफोबिक के ऊपर फिलिक आ जाए या फिलिक के ऊपर फोबिक आ जाए, दोनों साथ में आ जाए बच जाएंगे बस। ठीक है, अभी दोनों ही थ्योरियां चल रही, कोई सी भी चल सकती। द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड देयर बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट। The protective layer prevents the precipitating ions from coming in contact with colloidal particle. ऊपर लेयर बना दी तो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा,
ठीक, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट व्यू द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड इज ड्यू टू म्यूचुअल एड्सॉर्प्शन ऑफ द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड, म्यूचुअल एड्सॉर्प्शन हो जाए, इट इज इमटेरियल विच इज एड्सॉर्ब्ड ऑन विच, कौन किसके ऊपर चिपकता है, दैट इज ऑफ नो यूज, इमटेरियल. In fact, the smaller particle, whether of protective or of the lyophobic colloid, are adsorb on the bigger particle. छोटा वाला particle चिपकता है बड़े वाले के ऊपर, कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता. ठीक, ये वाली जो बात लिखी ना गोल्ड नंबर, इसको भयंकर अच्छे से स्टार बना लो. ये आ रहा है पेपर में, इसमें से न्यूमेरिकल आता है जेई मेंस में, यहीं से आएगा, नीट में भी पूछा हुआ है एक दो बार. गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड, किसका गोल्ड नंबर है, बचाने वाले का, इज द मिनिमम वेट ऑफ इट इन मिलीग्राम. पीछे कोएगुलेशन वैल्यू मिली मोल में थी, ये काय में है, मिलीग्राम में, विच मस्ट बी एडेड टू. अब ये अपना हीरोइन है, देखो कौन सी हीरोइन है, 10 ml of standard red gold salt. क्या होना चाहिए, 10 ml standard red gold salt. So that no coagulation of gold salt, that is change in color from red to blue, take place by addition of 1 ml of 10% sodium chloride. 1 ml of 10% sodium chloride. अब याद करो, अपन लोग पढ़ रहे थे अभी अपना हीरो हीरोइन विलन. विलन कौन है अपना, विलन है अपना 1 ml 10% NaCl, 1 ml 10% NaCl से बचाना है, किसको बचाना है, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट को, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट को. अब इसको बचाने के लिए इसका मिनिमम मिलीग्राम जो रिक्वायर्ड होगा, मान लो बचाने के लिए इसका 40 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है, तो इसका गोल्ड नंबर कितना होगा, 40 होगा. समझ में आया, क्या है गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर है 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल को 1 ml 10%. देखना यहां 10 ml है, यहां 10% है, यहां 10 ml है, यहां 10% है. 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल को 1 ml 10% NaCl से बचाने के लिए लायोफिलिक कोलॉइड का जो मिनिमम मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा, वो मिलीग्राम क्या कहलाता है, उसका गोल्ड नंबर कहलाता है. फिर से एक बार बोलना, किसको बचाना है, 10 ml गोल्ड सॉल को, किससे बचाना है, 1 ml 10% NaCl से. कौन बचाएगा, लायोफिलिक सॉल, बचाने में जितना मिनिमम मिलीग्राम लगेगा वो मिलीग्राम उसका क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा. समझ में आई बात, ठीक, थक गया हूं जी भाई साहब, पानी है क्या अपने, एक मिनट पानी पी लूं मैं जब तक इसको रीड लगाओ. हाँ, किसको बचाना है, रेड गोल्ड सॉल्ट, क्या गोल्ड का सॉल्ट है, लाल कलर का होता है, उसमें रेड गोल्ड सॉल्ट क्या है का क्या मतलब है, गोल्ड का सॉल्ट बना है, गोल्ड को पानी में घोला है, पानी में या जो कहीं से भी सॉल्वेंट में, ठीक है, रेड गोल्ड सॉल क्या है बताओ भाई, है गोल्ड का सॉल है और क्या है उसमें, लाल रंग है उसका. गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर वो है मिनिमम वेट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन. जिसका गोल्ड नंबर, अब मान लो किसी को, अब यहां बचाना है, सनी देओल बचाने जा रहा है, चंकी पांडे बचाने जा रहा है, चंकी पांडे थोड़े देर में बचा लेगा, जल्दी बचा लेगा सनी देओल, और चंकी पांडे को बचाने में टाइम लगेगा क्योंकि इसकी ताकत कम है. या बोल लो सनी देओल या कोई ऐसा बड़ा इलेक्ट्रोलाइट, बड़ा वो है ना प्रोटेक्टर है, तो उसका कम अमाउंट लगेगा, उसका 10 ही मिलीग्राम लगा तो उसका गोल्ड नंबर आएगा 10. कोई ऐसे कमजोर सा प्रोटेक्टर है तो उसका ज्यादा अमाउंट लगेगा, मान लो उसका 40 मिलीग्राम लगा तो उसका गोल्ड नंबर कितना आया, 40 आया. जिसका गोल्ड नंबर कम आएगा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, ये बात याद रखना, ठीक है, कम अमाउंट में ही बचा ले रहे हो. स्मॉलर तो ऑब्वियसली लिखवाया, देखो ऑब्वियसली
स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन. जितना स्मॉलर गोल्ड नंबर होगा उतना ग्रेटर उसका प्रोटेक्टिव एक्शन होगा. ठीक है, आओ देखें कई सवाल आया क्या. आया ही होगा, ऐसा नहीं नहीं आया. कहां है अपन, यहां देखते हैं कौन सा ये जेई मेंस वाला है. गोल्ड नंबर पे कोई सवाल इस साल नहीं आया क्या, कोई भी दिख तो नहीं रहा जल्दी जल्दी में. ये देखो ये जेई मेंस का. फॉर कोएगुलेशन ऑफ आर्सेनिक आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव. वैसे तो हम जानते हैं कि आर्सेनियस सल्फाइड जो है वो कैसा होता है, वो होता है नेगेटिवली चार्ज. तो मेरे को पॉजिटिवली ये आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज होता है. कल भी पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था कि मेटल के जो सल्फाइड है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो नेगेटिवली चार्ज होता है तो मैं कौन सा इसमें डाल सकता हूं बोलो, जो सबसे जल्दी कराएगा Al+3. ठीक है, तो इस टाइप का देखो टिंडल इफेक्ट से सवाल पूछा है मेरा, वो कहां गया यार, मिल क्यों नहीं रहा है. फिर से देखो 2013 में भी पूछा, खैर पुरानी बात हो गई. ये वाले में नहीं आया कोई भी प्रोटेक्टिव एक्शन का. और कोई सवाल पीछे आया क्या, पूछता रहता है बाकी प्रोटेक्टिव एक्शन से. फिलहाल मेरे को दिख नहीं रहा है कोई, मिलेगा मगर कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा मेरे को. होगा लेकिन मिलेगा तुम्हें, बहुत पूछता है स्कूल में तो बहुत ही पूछता है, बोर्ड में भी पूछेगा. मिल नहीं रहा मेरे को अभी, जल्दी जल्दी में होता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है. चलो खैर आगे बढ़े. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इस पे भी आएंगे अपन, पहले इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे आ जाते हैं. इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है, कुछ नहीं, अपन लोगों ने फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, इसके ऊपर क्या चिपका था Fe+3, ये इस पे आके एड्सॉर्ब हो गया था, एड्सॉर्ब्ड हो गया था आके, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन पेप्टाइजेशन में पढ़ा था. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स्ड लेयर है. ये बना कैसे था, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया था FeCl3, तो FeCl3 का Fe+3 आयन यहां चिपक गया था. क्या बचा मेरे पास, Cl- आयन बचा, तो वो Cl- आयन क्या होगा, वो Cl- इसके ऊपर आके डिफ्यूज्ड हो जाएगा, डिफ्यूज होके चिपक जाएगा. तो दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर, या अपन इसी को कहते हैं मोबाइल लेयर. क्या बनेगी, डिफ्यूज्ड लेयर और मोबाइल लेयर. एक कब है उसके प्यूरिफिकेशन से पहले की कहानी. और इन दोनों के बीच में ये प्लस लेयर है, ये माइनस है, प्लस है और माइनस है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को कहते हैं अपन लोग जीटा पोटेंशियल. क्या नाम दिया है, जीटा पोटेंशियल. तो ये बात बड़े काम की है, ये पूछ सकता है भाई, है ना. आ जाओ देखें, द सर्फेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल एक्वायर्स अ पॉजिटिव और अ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज बाय सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली. उसके ऊपर सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन हो जाएगा. द चार्ज लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम विच फॉर्म्स अ सेकेंड लेयर. ये एड्सॉर्ब हो गया, ये जो चार्ज लेयर है ये काउंटर आयन एड्सॉर्ब करी, अट्रैक्ट करी, जो उसके ऊपर आके चिपक गया. ठीक, does an electrical double layer is formed on the surface of the particle, that is one due to adsorbed ion and the other due to oppositively charged ions forming a diffused layer. This layer consists of ions of both the sign, but its net charge is equal and opposite to those adsorbed by colloidal particle. The existence of charges of अपोजिट साइड, अपोजिट साइन ऑन अ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज पार्ट ऑफ डबल लेयर क्रिएट्स अ पोटेंशियल बिटवीन दीज लेयर
दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड, ये भी है ना शॉर्ट नोट है ये, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लेंगे बेटा, उसमें कहीं डायग्राम नहीं दिया है, ये डायग्राम बना लेंगे छोटा सा कहीं पे जगह देख के, मेरे को लगा दिया होगा, नहीं दिया है मगर अगले साल डलवा देंगे, अभी याद नहीं रहता ना बहुत सारा है क्या दिया है क्या नहीं दिया। किसी कोई डाउट है क्या अभी तक यहां पर, पूछ लो भैया सरफेस केमिस्ट्री में। अच्छा ऑल क्लियर, को ऑल क्लियर और स्प्राइट में कहा, अच्छा भाई साहब, भाई रात के 10-11 बजे तू ऐसे टाइप का जोक मारेगा तो बड़ा तकलीफ होगा यार। अच्छा स्प्राइट क्लियर है, ओके चलो फिर आगे बढ़े, बढ़ू आगे ना, हो गया बना लिए सब, बोल रहा है स्प्राइट सर, वो कहना चाह रहा ऑल क्लियर है बताओ। अरे बहुत दिमाग वाले बच्चे हैं आजकल। तो ये हो गया अपना कोलोइडल, इमल्शन बचा है, इमल्शन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ इमल्सिफायर, प्रॉपर्टी डीमल्सिफिकेशन, बिल्कुल जेल, इलास्टिक, यूजेस ऑफ कोलोइड, फटाफट निपटाना है भैया, चलो आ जाओ, सीवेज डिस्पोजल, कैटालिसिस से खुद पढ़ना है, पहले बता चुका हूं ना मैं, कैटालिसिस खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कहां गया, चलो आ जाओ। इमल्शन कैसा कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो अ कोलोइडल सॉल्यूशन, एन इमल्शन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड, इट में बी डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम consisting of more than one immiscible liquid dispersed in one another in the form of droplets whose diameter in general exceeds this। नहीं भी diameter याद रखोगे तो चलेगा, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, heterogeneous system है और होना भी चाहिए heterogeneous system, क्योंकि क्या है colloidal solution है और colloidal solution heterogeneous ही होता है। ठीक, अब ये जो इमल्शन है ना, इमल्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है दूध, दूध दूध एक इमल्शन है। दूध कैसे एक इमल्शन है, दूध में होता है ऑयल, ऑयल कहां से है, घी बनता है ना, तो घी क्या है एक प्रकार का ऑयल ही तो है, तो घी कहां से बना, दूध में जो ऑयल था उससे बना। और पानी, दूध में पहली चीज तो ऑयल है और दूसरा क्या होगा, पानी, पानी कहां से आया, पानी दूध वाले ने डाला, मतलब ऐसे भी गाय भी थोड़ा सा डालती है अपने तरफ से, मगर दूध वाले ने भी डाला। अगर आप कभी एकदम प्योर दूध देखोगे ना, गाय का नहीं, और ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अमूल का जो आता है ये नहीं बोल रहा हूं, भैंस का दूध जो वो दूध वाला दे के जाता है, या किसी के घर में भैंस वैंस हो या कोई डेयरी का एक्सेस हो, वहां पर आप देखोगे ना भैंस का दूध, तो उसमें आपको अलग से पीले पीले ऑयल के ड्रॉपलेट दिख जाएंगे, अलग से पीला पीला रंग दिखता है भैंस का। ये तो सब अमूल का, और ये जो दूध आते हैं ये सब दूध में से फैट तो ये लोग पहले ही निकाल लेते हैं, आपको तो बचा कुचा कचड़ा देते हैं, फैट तो पहले ही निकाल चुके हैं। लेकिन जो ओरिजिनल दूध होता है गाय का या भैंस के दूध में ज्यादा फैट होता है, उसमें आपको अलग से ऑयल के ड्रॉपलेट पीले रंग के अलग से दिखेंगे, है ना, तो वो है इमल्शन। क्या कहलाता है, ऑयल और लिक्विड, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, उसको इमल्शन कहलाता है। For example, milk is an emulsion in which small droplets of liquid fat यानि oil हो गया, are dispersed in aqueous medium. Cod liver oil is an emulsion in which water droplets are dispersed in the oil. अपन ने cod liver oil आज तक नहीं देखा, तो अपन इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। This means in most of the emulsion, one of the liquid is water. ये बात याद रखना, and the other liquid is oil. Hence the term oil is used to represent all organic substances which are soluble in water. दो प्रकार का होता है, नाम याद रखना है, नाम बस, oil in water emulsion और दूसरा water in oil emulsion. Oil in water, water in oil. Oil in water क्या होगा, इसमें water बहुत सारा होगा, oil थोड़ा सा होगा।
वाटर इन ऑयल में ऑयल बहुत सारा होगा, वाटर कम होगा. इन दिस इमल्शन ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेस, यानी ऑयल क्या है, सॉल्यूट है. एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम, यानी वाटर सॉल्वेंट. इट इज डिनोटेड बाय ओ ऑब्लिक डब्ल्यू और ओ इन डब्ल्यू, ऑयल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ये इंपॉर्टेंट है मिल्क, बाकी गोली मारो नहीं जरूरत. वाटर इन ऑयल, जहां ऑयल ज्यादा होगा वाटर कम होगा. इसमें वाटर इज द डिस्पर्स्ड फेस एंड ऑयल इज द डिस्पर्शन मीडियम, मतलब ऑयल ज्यादा होगा. इसका एग्जाम्पल हो गया बटर, कोल्ड क्रीम, कॉड लिवर ऑयल. फिर अपन ने नहीं देखा तो अपन नहीं जानते. अब ये कैसे बनाएंगे भाई, अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑयल को पानी मिला रहे हैं, दोनों इमिसिबल है. पानी और तेल आपस में घुलते मिलते नहीं है, लेकिन अपन इनको जबरदस्ती मिला रहे हैं. तो जबरदस्ती मिलाने के लिए अपने को एक ना एक कोई बीच का एजेंट चाहिए जो दोनों को जोड़ के रखे. उस एजेंट को कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर. ठीक, तो दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑब्टेन्ड बाय एजिटेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू कंपोनेंट लिक्विड. The liquid that is in excess forms the dispersion medium. Thus, the two type of emulsion can be interconverted in each other by changing concentration of one of the liquid. ठीक, एक की concentration बढ़ा दिए तो change हो जाएगा type उसका. Next, function of emulsifier. Emulsifier, the main function of emulsifier or emulsifying agent is to lower the interfacial tension between oil and water. Thus helps the intermixing of two liquid. दोनों आपस में नहीं घुलेंगे और घोलने के लिए अपने क्या चाहिए, इमल्सिफायर चाहिए. ठीक, इमल्सिफायर दोनों को जोड़ के रखता है, इतनी बात याद रखनी, बाकी सब गोली मारो. फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ सोप और डिटर्जेंट, यह अभी पढ़ाऊंगा मैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में, इधर का छोड़ देना, नहीं है जरूरत तुम्हें फिलहाल. ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन कोई काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं, सब छोड़ दो. प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, सबसे ज्यादा पूछता है टाइप ऑफ इमल्शन. वो टाइप ऑफ इमल्शन याद रखना, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर में वाटर ज्यादा होगा, वाटर इन ऑयल में ऑयल ज्यादा होगा, खत्म किस्सा. नेक्स्ट, डिमल्सिफिकेशन. डिमल्सिफिकेशन क्या होगा, इमल्शन को अलग अलग करना. कैसे करते हैं अपन लोग, कैसे करते हैं अपन लोग, वो दूध में से तेल अलग, दूध में से घी अलग, कैसे करते हैं, चलो बताओ किसी को आइडिया हो. बताओ यार, बोलो यार, कुछ ऐसे मत करो यार. देखा होगा घर में सबने मम्मी को दूध में से घी अलग करते हुए. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल. और कैसे अलग करते हैं दूध में से घी, है चक्की में. हाँ, और कोई, अरे ठंडा करते हैं ना दूध को, ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो मलाई जम जाती ना, मलाई कहाँ है, ऊपर मलाई में सारा फैट रहता है. तो पहला तो हो गया कूलिंग. फैट कैन बी रिमूव फ्रॉम मिल्क बाय कीपिंग इट इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू आवर, आपने देखा है मलाई अलग हो जाती है. सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन वो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें जोर जोर से घुमाती मम्मी, तो जोर जोर से घुमाने से क्या होता है, सारा मक्खन ऊपर आ जाता है, मक्खन में सारा फैट होता है. तो क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द सेंट्रीफ्यूगल मेथड. केमिकल मेथड में इसमें आप कोई ऐसा एजेंट डाल दो, तो कुछ एजेंट डाल दोगे तो क्या करेगा, पानी को अलग कर देगा और ऑयल को अलग अलग कर देगा, वो हो गया. ठीक, डिमल्सिफिकेशन. बिसाइड अबव नोटेड मेथड ऑफ डिमल्सिफिकेशन द फॉलोइंग मेथड है ऑल्सो बीन डिप्लॉयड. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. पहला क्या कर दिया अपन ने, सुटेबल सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, वही मत दिया जोर जोर से जैसे करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे आप वहां प्रेसिपिटेशन कराते थे वैसे यहां प्रेसिपिटेशन करा सकते. एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मल्टीवेलेंट अपोजिट चार्ज, तो वो प्रेसिपिटेशन करा देगा उसका. सेम कोलाइडल सॉल्यूशन तो है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन कराते हैं वैसे यहां करा सकते हो. बहुत सारे तरीके. केमिकल डिस्ट्रक्शन, डिस्टिलेशन, कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, सब गोली मारो भगाओ. यूजेस ऑफ इमल्शन, पेंट आर इमल्शन, इमल्शन पेंट होता है ये याद रख लो, बाकी गोली मारो, कोई नहीं पूछ रहा. नेक्स्ट आ जाओ, अरे और भी यूज दिया यार. हाँ, ये वाला काम का है. डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज हेल्प्ड बाय इमल्सिफिकेशन.
ठीक, वो अपना बाइल जूस आता है ना, कहा है, नहीं लिखा है केस में, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ इंटेस्टाइन यानी बाइल जूस। वो बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े फैट के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और बॉडी को एब्जॉर्ब, मतलब बॉडी में डाइजेशन में मदद करता है। तो इमल्सिफिकेशन का वहां भी उपयोग होता है डाइजेशन में। सोप डिटर्जेंट वाला छोड़ दो, मिल्क छोड़ दो, मेटलर्जिम छोड़ दो, फ्रोथ फ्लोटेशन भी उसी टाइप का कुछ है, कोई काम का नहीं, सब छोड़ दो। बगाओ जेल में आ जाओ। जेल क्या होता है, देखा आपने जेल, जेल में आपके पास में सॉलिड ज्यादा होगा और सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड होगा, उसको बोलते हैं जेल, ज्यादा सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड। कोलॉइडल सिस्टम इन विच लिक्विड्स आर डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड एक्सेस डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड जेल। सॉलिड में लिक्विड, दैट इज कॉल्ड जेल। एग्जाम्पल हो गया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बूट पॉलिश, इसको याद रखना। बूट पॉलिश आता था ना, चेरी ब्लॉसम, वो याद रखना, बूट पॉलिश। When the gels are allowed to stand for a long time, they give out a small quantity of trapped liquid, which accumulate on this surface, on its surface. This property is known as cineresis or weeping. इस पे short notes बनेगा, short notes. ठीक, cineresis or weeping. पता नहीं आपका तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार देखा अपनी लाइफ में, मेरे को याद है 2014 में ना मेरा कॉलेज खत्म हुआ था। तो कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और मेरे साथ जो फिजिक्स में मेरे सीनियर पढ़ाते थे, हम लोग दोनों निकले दिल्ली, दिल्ली गए थे, दिल्ली और अंबाला में एक यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहां हम गए थे, हमारा ग्रेजुएशन हुआ था, हम ये पता लगाने गए थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का पता लगाने के लिए हम गए। अगर सोचो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होता तो मैं अभी कुछ और कर रहा होता, पढ़ाने में आया ही नहीं होता। गनीमत, उस सब कॉलेज का पता करने के बाद लास्ट में हम दिल्ली गए, दिल्ली में आकाश का इंटरव्यू दिया, रिटर्न एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सब हो गया, हम नौकरी में चले गए। नहीं तो अभी कहीं मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके पता नहीं क्या कर रहा होता, भगवान जाने। तो वहां अंबाला की बात है, मेरे को अच्छे से याद ध्यान है, अंबाला की बात है। अब मैं ना तेल ले जाना भूल गया था घर से, अब मैंने बाल वाल धोए अपने और ना वो तेल लगा नहीं पाया, चूंकि तेल ले गया नहीं था, तो बाल बड़े रूखे रूखे से हो गए। तो मैंने अंबाला में एक दुकान में, तेल तो था नहीं उसके पास, तेल इतनी बड़ी बड़ी शीशी को कहाँ लेके घूमता मैं बोला बाल में लगाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या है तेरे पास। तो उसने बोला ये 20 रुपए का जेल है, 20 या 50 रुपए का जो भी रहा होगा, छोटी सी डिब्बी थी, बोले ये लगा लो करके, तो इससे बोले आपका बाल ठीक दिखने लगेगा। तो मैंने भाई साहब वो जेल लेके लगा लिया बाल में, बाल तो भयंकर कड़े हो गए अजीब से, और वो जेल की डिब्बी उसके बाद वो जो बैग में गई तो बैग में ही पड़ी रही। कुछ समय के बाद, मतलब 2-4 महीने के बाद, वो बैग वैग के अंदर से निकली, कहीं हाथ आई होगी, तो मैंने देखा उसमें ऊपर पानी पानी वाला हिस्सा आ गया और नीचे का हिस्सा गाढ़ा हो गया, सारा जो पानी उसके अंदर था वो ऊपर आ गया। तो जेल के अंदर में से पानी का ऊपर, चेरी ब्लॉसम खुला छोड़ दो पानी बाहर आ जाता है, फिर क्रैक हो जाता है वो, क्यों, पानी निकला और फिर उड़ गया। तो क्या होगा, जेल को थोड़े समय के लिए छोड़ दोगे ना तो उसके अंदर का पूरा जो डिजॉल्व लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को सिनेरेसिस या वीपिंग बोलते हैं, इसको याद रख लेना। ठीक, वैसे ही आप उसको शेक करोगे जोर से तो वापस वो वापस जेल के जैसा हो जाएगा, फिर थोड़ा देर छोड़ दोगे तो फिर पानी ऊपर और सॉलिड नीचे। तो ये जो सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये पलटते रहता है, चेंज होते रहता है, उसको आपने जोर से हिलाया तो वो लिक्विड बन गया और फिर छोड़ दिया तो जेल बन गया, दिस सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थिक्सियोट्रॉफी। तो ये दूसरा शॉर्ट नोट है, थिक्सियोट्रॉफी। When some gels such as silica, gelatin, ferric hydroxide, liquefy on shaking and reset on allowing to stand. This phenomena of sol gel transformation is called thixiotrophy. तो ये thixiotrophy भी पूछ सकता है।
अब दो प्रकार के जेल हैं, एक इलास्टिक जेल है और एक नॉन इलास्टिक जेल है। आपने जेल में ऐसे उंगली घुसाई, उंगली बाहर निकाली, जेल वापस पहले जैसा हो गया, दिस इज इलास्टिक जेल। उंगली घुसाई वो वहीं रह गया, गड्ढा पड़ गया, दिस इज नॉन इलास्टिक जेल। खत्म किस्सा। अगली चीज पूछता है इम्बाइबेशन। जेल को थोड़ा देर कहीं छोड़ दोगे, एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। दे एब्जॉर्ब वाटर व्हेन प्लेस्ड इन इट विथ साइमल्टेनियस स्वेलिंग। पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा, इसको कहते हैं इम्बाइबेशन। ये हो गया आपका तीसरा शॉर्ट नोट। ठीक है, तो यहां से शॉर्ट नोट बनेगा भैया। कोलाइड का उपयोग दवाई के रूप में, तो आजकल हर चीज कोलाइड में जाती है। डाइंग इंडस्ट्री में मॉर्डेंट के जैसा यूज होता है। मॉर्डेंट क्या होता है? ये जो कलर होता है उसको फैब्रिक से बांध के रखता है, उसको बोलते हैं मॉर्डेंट। ठीक है, इन डाइंग इंडस्ट्री मॉर्डेंट कोलाइड सब्सटेंस आर यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग टू फास्टन डाई, कलर को पकड़ कर रखने के लिए यूज होता है। ठीक, कोई काम का नहीं है। रबर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसमें। स्मोक स्क्रीन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाऊंगा सब में। आर्टिफिशियल रेन भयंकर इंपॉर्टेंट, स्मोक प्रेसिपिटेटर भयंकर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक के तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। रबर इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, समझ लो। रबर इंडस्ट्री में क्या होता है? रबर कहां से मिलता है? वो लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स क्या है? लेटेक्स वो रबर वाले पौधे का लिक्विड है, लेटेक्स। अब उसको क्या करते हैं, वो लेटेक्स इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। द आर्टिकल टू बी रबर प्लेटेड इज मेड द एनोड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रबर पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड ऑन एनोड एंड द पार्टिकल गेट्स रबर प्लेटेड। रबर की प्लेटिंग हो जाती है, चूंकि ये खुद कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये स्मोक स्क्रीन कोई काम का नहीं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या है और कैसे बनता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अपने यहां या जहां कहीं भी नदियां जो है वो कहां से आ रही, पहाड़ों से आ रही। जो भी बड़ी नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहां से आ रही, पहाड़ों से आ रही। अब जब ये पहाड़ों से आती हैं तो बहुत स्पीड से आती हैं, और जब ये बहुत स्पीड से आती हैं तो अपने साथ ये आसपास के कंकड़ पत्थर सबको लेके आती हैं। और जब ये कंकड़ पत्थर इतनी स्पीड में निकलते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से रगड़ाते हैं, इधर उधर फ्रिक्शन करते हैं, और फ्रिक्शन करने के कारण इनके ऊपर एक नेट चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये नेट चार्ज्ड पार्टिकल, गंगा बह रही है, बह रही कहां तक बहेगी, कभी तो जाएगी समुद्र में। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल समुद्र के पास पहुंचते हैं, समुद्र के पास, तो जैसे ये समुद्र है ना, ये समुद्र है, ये नदी उसमें मिलने के लिए जा रही, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे ये नदी है ना, नदी बहती हुई आ रही, जैसे समुद्र के पास पहुंचती है ये फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, इसका कारण क्या है? इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, समुद्र का पानी थोड़ा सा अंदर आता है, समुद्र के पानी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। यह है रिवर, डायग्राम के लिए माफ करना, यह है सी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। ये सारे कैसे पार्टिकल हैं? ये सब चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रोलाइट आता है, तो ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इनमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से NaCl का Cl- लेंगे और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये न्यूट्रलाइज होने के कारण फिर धीरे धीरे एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, एक दूसरे से चिपकेंगे, चिपकेंगे तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो सेटल होने लगेंगे। तो ये आजकल की बात नहीं है, नदियां कब से बह रही है, नदियां लाखों सालों से बह रही। तो लाखों सालों में धीरे धीरे करके जो नदियां अपने साथ पहाड़ों से कंकड़ पत्थर लेके आई, वो कंकड़ पत्थर सारे जो हैं नदी और समुद्र जहां मिलते हैं उस वाले जंक्शन के आसपास सेटल डाउन होने लगे,
और जब ये सेटल डाउन होने लगेंगे नदी के बेड में नीचे की ओर जाने लगेंगे तो नदी जो है धीरे धीरे उथली या कम गहरी होने लगेगी। नीचे से नदी का जो फ्लोर है उसमें डिपॉजिट हो रहा है तो ऊपर नहीं हो जाएगा, कम गहरी होने लगेगी तो धीरे धीरे फैलने लगेगी। तो ऐसे करके नदी कई किलोमीटर कई सैकड़ों किलोमीटर फैल गई और डेल्टा बन गए। अब ये नदी का पानी अपने साथ ऊपर से फर्टाइल वो सॉइल लेके आ रहा है, एलुवियल सॉइल और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भगवान जाने, फर्टाइल सॉइल लेके आ रहा, वो सॉइल सब जगह फैलने लगी और पूरा का पूरा डेल्टा अपने यहां इसका फेमस उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा। कभी कलकत्ता जाओ उधर है सुंदरबन डेल्टा। तो अब समझ में आया डेल्टा क्या होता है। नदी अपने साथ क्या लेके आती है, नदी अपने साथ लेके आती वो कंकड़ पत्थर, बहुत हाई स्पीड से आती है, ये सब कंकड़ पत्थर जो भी है सब चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद ये जैसे ही नदी के पास समुद्र के पास पहुंचता है, समुद्र का पानी अंदर घुसता है, समुद्र के पानी से ये मिलते हैं तो वहां इलेक्ट्रोलाइट से ये सेटल डाउन होते हैं, नदी का फ्लोर उथला होने लगता है, नदी धीरे धीरे फैलने लगती है, फैलने के कारण ज्यादा एरिया कवर करती है और ज्यादा एरिया फर्टाइल हो जाता है, ठीक, इसको बोलते हैं डेल्टा। बहुत पूछता है रिवर वेव्स, वेव्स है ना इसका एस कर लेना, आर लगा दिया भैया ने, द रिवर वेव्स कैरी विद इट चार्ज्ड क्ले पार्टिकल्स एंड मेनी अदर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। व्हेन द सी वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दीज पार्टिकल द कोलोइडल पार्टिकल इन रिवर कोएगुलेट एंड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन द सी वाटर टू फॉर्म डेल्टा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा पेपर में पूछता है। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पोटाश एलम डालते हैं पानी में, फिटकरी डालते हैं तो फिटकरी में पोटाश एलम से Al प्लस थ्री आयन मिलेगा और ये जो Al प्लस थ्री आयन है ये पानी में प्रेजेंट जितनी भी नेगेटिवली चार्ज इंप्यूरिटीज हैं सबको क्या कर देगा, कोएगुलेट करा देगा। ठीक, आर्टिफिशियल रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बादल बन रहे हैं लेकिन बादल बरस नहीं रहे, पूरा पूरा गांव इवन आमिर खान नीचे खड़े होके काले मेघा पानी तो बरसाओ गाना गा रहे हैं, उसके बावजूद नहीं बरस रहे, तो फिर इंसान परेशान हो गया, बोले यार ये तो बरस ही नहीं रहे। तो इंसान क्या करता है, फिर इंसान हवाई जहाज में बैठता है, हवाई जहाज में बैठ करके बादलों के ऊपर जाता है और बादल में सैंड गिरा देता है, चार्ज्ड सैंड, और वो चार्ज सैंड गिरती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट का ऊपर का जो चार्ज है अगर उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है ना तभी तो वो बिजली कड़कती, उन्हीं का तो चार्ज है, क्लाउड का ही तो चार्ज है, वो सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उनका प्रेसिपिटेशन होने लगता है, वो नीचे आने लगते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कैन बी कॉज्ड बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड ऑन क्लाउड विच आर कोलोइडल सॉल्यूशन और चार्ज पार्टिकल ऑफ वाटर इन एयर, डालोगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आर्टिफिशियल रेन। स्मोक प्रेसिपिटेटर, सभी फैक्ट्रीज के ऊपर ऐसा एक स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाना पड़ता है। ये स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या, यहां से जो स्मोक आ रही है वो यहां से पास होती है, वो जब यहां से पास होती है तो जब पास होती तो ये चार्ज पार्टिकल है तो जितने भी चार्ज डस्ट पार्टिकल है वो सारे के सारे यहां डिपॉजिट हो जाते हैं और यहां से प्योर एयर बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं स्मोक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी इन इंडस्ट्रियल एरिया इज अ न्यूसेंस एंड हेल्थ हैजार्ड, इट इज अ कोलोइडल पार्टिकल नहीं आर चार्ज पार्टिकल एंड डज आर रिमूव्ड फ्रॉम फ्यूल गैसेस बाय इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हो गया भैया, खत्म कहानी, ऊपर बनाया हुआ। किसी कुछ पूछना है इसमें से, सीवेज डिस्पोजल यहां पर भी उपयोग आता है, सीवेज डिस्पोजल में, सीवेज डिस्पोजल में क्या, जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, उनके ऊपर अपन अलग अलग सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट उनको लेके फिर वो धीरे से प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये सब पढ़ लेना। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये ब्लू कलर क्या है,
कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर ओनली ब्लू लाइट एंड रेस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब इन द स्काई देयर आर नंबर ऑफ डस्ट एंड वाटर पार्टिकल दे स्कैटर ब्लू लाइट एंड देयरफॉर लुक्स ब्लूइश इफ देयर इज नो स्कैटरिंग द स्काई वुड अपीयर टोटली डार्क। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक, ये कैटालिसिस वाला कार्यक्रम ये खुद पढ़ना है, क्या कैटलिस्ट क्या डेढ़ पढ़ना है, कुल मिला के ये खुद पढ़ना है। ठीक, एक बार थोड़ा सा, अच्छा इसमें ना एक चीज बची है बस, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो मैं इत्मीनान से आपको तमीज से पढ़ाऊंगा, हड़बड़ी में नहीं। अभी इधर आ जाओ, एक बार अपन इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। कहां से रिवाइज करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन से करेंगे, यहां से। अभी बीच का थोड़ा सा बचा है मेरा, मैक्रोमोलिक्यूलर और माइक्रोमोलिक्यूलर, एक बार फटाक से रिवाइज कर देते। कोलाइडल सॉल्यूशन तीन प्रकार के सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल। सस्पेंशन बहुत बड़ा है, ट्रू सॉल्यूशन बहुत छोटा है, कोलाइडल बीच में। इसमें दो चीजें होती है, एक डिस्पर्स फेज होता है जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है जो कि सॉल्वेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में 8 प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं। गैस और गैस का जो सॉल्यूशन है, दैट इज नॉट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, दैट इज अ होमोजीनस मिक्सचर, कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं। इसके अलावा बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन टू फेजेस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन के बेसिस पर, एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक जहां पर इंटरेक्शन अच्छा हो, लायोफोबिक जो साथ में रहना नहीं चाहते हो। ठीक, जो लायोफिलिक है उनका जो प्रिपरेशन है वो बड़ा आसान है, उनका प्रिपरेशन केवल उनको साथ में मिलाया और जोर से हिला दिया हो जाएगा। लायोफोबिक को बनाने के लिए स्पेशल मेथड लगता है, जैसे डिस्पर्शन और कंडेंसेशन। डिस्पर्शन में बड़े बड़े सस्पेंशन के पार्टिकल को तोड़ तोड़ के छोटा किया जाएगा, कंडेंसेशन में ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में मिला के बड़ा किया जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहला मैकेनिकल मिल, मैकेनिकल डिस्पर्शन, कोलॉइडल मिल बोलते हैं, आटा चक्की है। किसके लिए यूज करते हैं? इंक प्रिपेयर, प्रिंटिंग इंक के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसमें दो ठो आर्क होती है, बाहर आइस बात वाला सॉल्यूशन होता है, आर्क के बीच में मेटल को रखते हैं, मेटल वेपराइज होता है, आइस बात के चलते कंडेंस होता है, KOH डालते हैं, KOH स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। किसके लिए यूज करते हैं इसको? मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एटसेट्रा, इनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या करेंगे? किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के ऊपर डालेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो प्रेसिपिटेट के ऊपर जो कॉमन आयन है वो एड्जॉर्ब होने लगेंगे, उनका प्रिफ्रेंशियल एड्जॉर्प्शन होने लगेगा, और धीरे धीरे वो टूट टूट के कहां जाने लगेगा? ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, इसमें कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन होता है, प्रिफ्रेंशियल एड्जॉर्प्शन, ये बात जरूर से याद रखनी। ठीक है, कंडेंसेशन का कोई भी मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। प्यूरिफिकेशन करने का तरीका, डायलिसिस आपको अच्छे से आ गया है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। अल्ट्रा फिल्टर फिल्ट्रेशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर में कोलॉइड आयन सॉल्यूशन में डुबाएंगे और उसको फॉर्मेल्डिहाइड से हार्ड कर देंगे, तो उसके बीच के पोर्स छोटे हो जाएंगे और वो और फाइन अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। इसके बाद अपन लोगों ने ब्राउनियन मूवमेंट देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन का कारण क्या है? अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्यूट बाय द सॉल्वेंट, अनइक्वल बम्बार्डमेंट। इसके बाद अपन ने टिंडल इफेक्ट देखा, जो उनका जिगजैग मोशन दिखने लगता है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए, लाइट और ऑब्जर्वर कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक, इसी से बनाया है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट कैटाफोरोसिस या इलेक्ट्रोफोरोसिस यू वाली ट्यूब में करते हैं, कोएगुलेशन के लिए काम आता है, और सॉल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है ये पता करने के लिए काम आता है, दिस इज इलेक्ट्रोफोरोसिस।
और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है और ऑस्मोसिस करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगला अपन ने देखा कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। कोएगुलेशन यानी नीचे बैठ जाना, फ्लॉक्यूलेशन यानी ऊपर बैठ जाना। कोएगुलेशन कराने के लिए अपने को अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। हार्डी सुलझे लॉ ये कहता है कि जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, किसी पर्टिकुलर सॉल को कोएगुलेट कराने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के मिनिमम कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं उसकी कोएगुलेशन वैल्यू। जिसके कम मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कम मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होता है। लोअर कोएगुलेशन वैल्यू, हायर कोएगुलेटिंग पावर। ये हार्डी सुलझे लॉ हो गया, ये वाला समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे अपन लोगों ने और क्या देखा, और इलेक्ट्रोलिसिस के और कोएगुलेशन के क्या क्या तरीके हैं। परसिस्टेंट डायलिसिस, जो आयन एड्सॉर्ब था वो भी बाहर निकल जाएगा। म्यूचुअल कोएगुलेशन, दोनों को आपस में मिला दिया। इलेक्ट्रिकल मेथड यानी वो कैटाफोरोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस करा दिया। कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं। प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन होते हैं, लायोफोबिक को बचाने के लिए जो लायोफिलिक कोलॉइड डाले जाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड। किसको बचाना है, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल, ये हमारी हीरोइन है, इसको बचाना है। किससे बचाना है, 1 ml 10% NaCl से बचाना है। बचाने के लिए जिसका मिनिमम मिलीग्राम, वहां मिलीमोल था यहां मिलीग्राम है, जिसका मिनिमम मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा, जितना कम मिलीग्राम रिक्वायर्ड होगा वही मिलीग्राम कहलाएगा, उसका गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर पे डेफिनेशन शॉर्ट नोट पूछता है, ठीक। तो गोल्ड नंबर हो गया। फिर उसके बाद में ये वाला गोल्ड नंबर का डेफिनेशन याद कर लेना भैया, कोई भी किसी के ऊपर भी एड्सॉर्ब हो सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जीटा पोटेंशियल पूछता है। जीटा पोटेंशियल क्या है, ये वाली लेयर के ऊपर Fe+3 आयन चिपक गए, ये वाली फिक्स्ड लेयर हो गई, इसके ऊपर Cl- आ गए, दिस इज डिफ्यूज्ड और मोबाइल लेयर। दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल, ठीक। इमल्सिफायर, इमल्शन क्या होता है, इमल्शन होता है लिक्विड और लिक्विड का सॉल। दो प्रकार का इमल्शन होता है, कौन कौन सा, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इमल्शन को आपस में जोड़े रखने के लिए एक इमल्सिफायर की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। डिमल्सिफिकेशन, उनको अलग अलग करने की प्रोसेस को डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। यूज यूज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, सीधा आ जाओ तुम किसमें, जेल में। जेल में सिनेरेसिस या वीपिंग क्या होता है, अलग हो जाएगा। थिक्सोट्रॉफी क्या होता है, जोर से हिलाओगे तो लिक्विड, छोड़ दोगे तो जेल। इम्बाइबिशन क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज इम्बाइबिशन। इलास्टिक जेल क्या है, नॉन इलास्टिक जेल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, आर्टिफिशियल रेन, स्मोक प्रेसिपिटेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट ले, शॉर्ट नोट्स बना पाओ बना लो, नहीं तो अभी भी समय है, मॉड्यूल के सवाल लगाने लगो, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो अगली क्लास में। इसमें मेरे को आधा घंटा लगेगा पढ़ाने में, क्या सोप और डिटर्जेंट का एक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड और मिसल वगैरह पढ़ाना है, तो वो मेरे को आधा पौन घंटा लगेगा, वो पढ़ाऊंगा, और हो सका तो मेटलर्जी का जो छूटा हुआ है वो पढ़ाऊंगा और खत्म कर दूंगा, ठीक है जी, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद देखेंगे और क्या पढ़ना है अपने को, वो खत्म कर लेंगे। चलो आज के लिए छुट्टी, नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं। किसी को डाउट पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो निकलना शुरू करो।